हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों को पास शेयर करें। हमारे चैनल डॉक्टरेंस बायोलॉजी क्लासेस को हम आप लोग के बीच नया नया न्यूज लेकर आते हैं और आप लोग के बताते हैं क्या हो रहा है। तो आज देखिए नया न्यूज आया है, प्रभात खबर पेपर में है ये। तैयार हो रहा है 40,000 छात्रों के लिए परीक्षा का प्रस्तावना, 40,000 छात्र के परीक्षा की प्रस्तावना हो रहा है। बिहार बीआर बिहार विद्यालय के शिक्षा निर्देशक के बीएड कोर्स सहित विभिन्न छात्रों के 40,000 छात्रों की लंबित परीक्षा शीघ्र लेने के लिए डीडीई ने प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। 3 साल से अधिक समय के छात्र परीक्षा के इंतजार में हैं। यूजीए की ओर से 3 कोर्स को मंजूरी मिलने के बाद विविध डीडी ने पूरे छात्र पुराने छात्र की परीक्षा के लिए एक बार फिर प्रयास शुरू किया है। नया प्रस्ताव विधि की ओर से राजभवन में मौजूद के लिए सौ भेजा गया है। नामांकित 40,000 छात्रों के डेढ़ दर्ज कोर्स के रेगुलेशन के राजभवन भेजा गया है कि जल्द प्रस्थान तैयार कर दिया जाए। बीएड के 3 स्तर से 15,000 छात्र अभी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। 15,000 छात्र परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं, अभी परीक्षा की इंतजार कर रहे हैं। अब की छात्र का नामांकन 2016 में हुआ था उसके लिए है, लेकिन राजभवन के कर्स ने रेगुलेशन पास नहीं होने के कारण अब तक परीक्षा नहीं हो सकी। डीआईडी ने एक अधिकारियों ने बताया कि यूसीसी ने 3 कोर्स की मंजूरी दी है। देखिए जबकि 2016 में डीआईडी का नए कोर्स में मौजूद थी, इसी आधार प्रस्ताव तैयार किया। विधि मध्य राजभवन की अग्रिय पत्र भी भेजा जाना। इधर डीआईडी ने निर्देशक डॉक्टर सतीश कुमार राय ने कहा कि लंबित परीक्षाओं के लिए प्रयास चल रहा है। विधि के माध्यम में राजभवन के अग्रिय पत्र भेजा जा रहा है। स्थातक एवं पूजी कोर्स के लिए जाएगा प्रस्ताव। स्थान के पूजी के 9 कोर्स की नए सत्र में मौजूद के लिए भी तैयार चल रही है। यूजी ने डीडीआई की बनाई सीबीए और बीए कोर्स के मजदूर दिए हैं। तो देखिए और आया है ग्रेड टीचर की बहाली की बीसी से मिली गई अभ्यर्थी। देखिए मुजफ्फरपुर बिहार विद्यालय के ग्रेड टीचर की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को कुलपति प्रोस आकर मंडल के अनुवर्त के लिए सबसे मांगी। अभ्यर्थी से कहा कि कॉलेज की शिक्षकों का भारी अभाव है। एडमिशन के बाद नए छात्र आने लगे वाले हैं। अधिकांश कॉलेज में शिक्षकों की संख्या दहाई में भी नहीं है। कुलपति प्रोफेसर मंडल ने अभ्यर्थियों से जल्दी बहाली शुरू करने के अभ्यास किया है। 900 पदों के लिए 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके बाद करीब 2 महीने इंटरव्यू की प्रक्रिया चली। तो ये सब आ रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को पास शेयर कीजिए। देख लीजिए।